दोस्तों, समर स्लैम में हुई रोमन रेंस की इंजरी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है। दरअसल ये अपडेट है कि रोमन रेंस कुछ वक्त के लिए WWE से बाहर होने वाले हैं अपनी इंजरी के लिए। और रोमन रेंस की इस इंजरी की पुष्टि की है डेव मेल्टजर ने, जो कि रेसलिंग न्यूज ऑब्जर्वर के संपादक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रोमन रेंस को समर स्लैम में ये इंजरी हुई और कितने वक्त तक रोमन रेंस आउट ऑफ एक्शन रहने वाले। दोस्तों, हम जानते हैं कि समरस्लैम में रोमन रेंस और उनके ब्रदर जे उसो के बीच एक ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला देखने को मिला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और साथ ही द ट्राइबल चीफ के लिए। यहां पर हमने देखा था कि रोमन रेंस ने इस मुकाबले में जिमी उसो की सहायता से जे उसो को हरा दिया था। लेकिन इस मुकाबले के शुरुआती स्टेज में ही रोमन रेंस को इंजरी हो गई और वे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में नजर आ रहे थे। दरअसल जब रोमन रेंस के ऊपर जे उसो रोप के ऊपर से छलांग लगाते हैं तो इस वक्त उनको इंजरी हो जाती है और वे काफ़ी परेशानी में नजर आते हैं। लेकिन इस सब से उबरने के बाद वे इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से ख़त्म करते हैं। और अब रेसलिंग न्यूज़ ऑब्जर्वर के डेव मेल्टजर ने बताया कि रोमन रेंस की इंजरी कंफर्म हो चुकी है कि उनको बैक इंजरी हुई है और वह कुछ समय तक WWE से आउट ऑफ एक्शन रह सकते हैं अपनी इस इंजरी की सर्जरी कराने के लिए। और इसके बाद हम सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रोमन रेंस WWE से बाहर हो जाएंगे तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का क्या होगा और उसकी कमान कौन संभालेगा। तो हम जानते हैं कि जे उसो ने स्मैकडाउन के पिछले एपिसोड में WWE से बाहर होने की अनाउंसमेंट किया और अब रोमन रेंस भी इंजरी की वजह से कुछ वक्त के लिए WWE से बाहर होने वाले हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि सोलो सिकोवा और जिमी उसो है, वे दोनों ब्लड लाइन के रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो हो सकता है कि रोमन रेंस की जगह अब सोलो सिकोवा और जिमी उसो की स्टोरी लाइन है हमें आगे देखने को मिले। और WWE के आने वाले PPV पे पैक में हमें रोमन रेंस की जगह सोलो सिकोवा और जिमी उसो के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। और वहीं अगर हम रोमन रेंस की वापसी की बात करें तो फिलहाल WWE की तरफ से ऐसी कोई भी PPV या इवेंट नहीं है जिसमें रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। और WWE के आने वाले PPV जो कि अगले ही महीने होने वाला है, WWE का पे पैक, उसमें भी रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, ना ही सर्वाइवर सीरीज के लिए और ना ही इंडिया में जो WWE का इवेंट होगा उसमें रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। ऐसे में हमें लग रहा है कि रोमन रेंस आने वाले कुछ वक्त तक WWE से बाहर रह सकते हैं और इसके बाद अपनी वापसी करने के बाद रोमन रेंस की स्टोरी लाइन की शुरुआत में उनके ही साथी सोलो सिकोवा के साथ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में फिलहाल पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं है कि रोमन रेंस आखिर कब तक WWE में वापसी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन सोनो सिकोवा और जिमी उसो के बीच की स्टोरी लाइन की, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।